हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वाला मेकअप लुक, एंड आप बताना आपको ये वाला लुक कैसा लगा एट द एंड। चलो मिलके करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज मेकअप ट्यूटोरियल। एंड मैं आज आपके साथ ये वाला लुक शेयर करने वाली हूँ। एंड ये वाला सूट जो मैंने परचेज किया था, वो किया था मीशो से। उसकी मैंने आपको वीडियो प्रीवियस में देख चुके हैं कहाँ से मैंने परचेज किया था। यू कैन गो एंड ग्रैब इट नाउ। एंड चलो आज करते हैं ये वाला लुक क्रिएट। एंड मुझे चूड़े में वीडियोस बनाना बड़ा पसंद है, एंड आई लव माय चूड़ा। सो चलो सबसे पहले मैंने फेस वॉश कर लिया था। यहाँ पे वेट वाइप से आपको अच्छे तरह अपने फेस को क्लीन आउट करना है। आप फेस वॉश कर भी लो ना गाइस, फिर भी आप ना जरूर वेट वाइप से एक बार अपने फेस को दोबारा से क्लीन करा करिए, ताकि जो थोड़ी बहुत डस्ट भी होती है ना वो भी निकल जाएगी। आफ्टर यहाँ पे मैंने एज अ टोनर रोज वाटर अप्लाई किया था, उसको बिल्कुल अच्छी तरह अपनी स्किन पे अब्जॉर्ब होने दिया, पैड ड्राई होने दिया। आफ्टर दैट हेयर आई एम यूजिंग बायोटिक की मॉर्निंग नेक्टर क्रीम, एंड दिस क्रीम इज सीरियसली रियली वर्क्स, बहुत मॉइस्चराइजिंग है, ड्राई स्किन वालों के लिए तो बेस्ट प्रोडक्ट है। साथ के साथ अपनी स्किन का भी ध्यान रखा करिए, इसलिए मैंने हैंड्स पे भी लोशन लगा लिया था। आफ्टर यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का मैंने प्राइमर, एंड ये सबसे बेस्ट है, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है गाइस। एंड इसके बाद लगाने के बाद जो शाइन आती है ना स्किन पे, मैं आपको क्या ही बताऊँ, यू कैन ईजिली सी ऑन माई फेस, आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने टू फाउंडेशन लिया है, वन फॉर चार्मसी जो मेरी वन ऑफ फेवरेट है, सेकंड जो मेरी स्विस ब्यूटी की फाउंडेशन 02 इज माई शेड, तो वो दोनों को मैंने मिक्स किया है एंड अप्लाई किया है। गाइज अच्छी तरह फाउंडेशन को ना पहले अपने ना हैंड्स पे या फिर कोई प्लेट पे, फाउंडेशन पे प्लेट पे अच्छी तरह उसको ना मिक्स करा करिए, ताकि जो भी एक्सेस ऑयल होता है ना वो निकल जाता है। उसके बाद आपकी जो फाउंडेशन है ना बहुत अच्छी लगेगी, पैची पैची वर्क नहीं देगी आपकी स्किन पे। ब्यूटी ब्लेंडर को आप ज़रूर वेट करा करिए, ताकि आपकी जो वेट करने के बाद ना उसको, उसका जितना भी एक्सेस वाटर है उसको स्क्वीज आउट कर लीजिए, जो वाटर निकल जाएगा उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर को अप्लाई करा करिए, ब्यूटी ब्लेंडर को ब्लेंड करा करिए फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से, एंड बहुत अच्छा आएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने लिया है बनाना पाउडर, एंड ये बनाना पाउडर भी बहुत बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेटेड है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ हैवी किया है। एंड दिस ब्रश हैज सेट आई एम परचेजिंग फ्रॉम मीशो, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आपको चाहिए तो मैं मेंशन कर दूंगी, अगर आपको कमेंट कर देना आप मुझे तो मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है। एंड 3-in-1 बुक पैलेट है, बहुत अच्छी पैलेट है, इसमें शिमर ग्लिटर एंड आई शेडो शेड्स सब एक ही पैलेट में गाइज, बहुत अच्छी पैलेट है। तो सबसे पहले आप यूज़ करूँगी, मैं यहाँ पे ट्रांजिशन शेड लूँगी एंड अपनी आई लिड पे अच्छी तरह ट्रांजिशन शेड लूँगी, सर्कुलर मोशन में उसको अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी, बहुत लाइट लूँगी और अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। जितना अच्छा आप ब्लेंडिंग करेंगे उतनी अच्छी आपकी आई शेडो लुक जो है वो निकल कर आएगा। सेम मैं ऐसे ही सेकेंड आई पे अप्लाई करूँगी। आफ्टर मैंने शिमर शेड लिया है विद माई फिंगर टिप, फिंगर से लूँगी और अपनी आई लिड पे अप्लाई कर दूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है गोल्डन प्लस लाइट सिल्वर कलर का लिया है, क्योंकि मेरा जो इसमें वर्क था ना गोल्डन प्लस थोड़ा सिल्वर वर्क था, थ्रेड वर्क था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिया है आई लिड प्लेस के। बहुत सिंपल सा लुक होता है यार ये वाला। आफ्टर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सिल्वर ग्लिटर लगाया है, ताकि थोड़ी सी शाइन आ जाए आईज़ पे। फिंगर से एक ग्लिटर लगाओगे ना यार, मेरे को तो पता नहीं क्यों ब्रश से आदत नहीं, तो मैं फिंगर से ही लगाती हूँ और बहुत अच्छा लुक निकल कर आता है। सो चलो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट ये वाला हो चुका है। यहाँ पे लूँगी मैं विंग लाइनर लगाऊंगी, एंड दिस लाइनर इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, बहुत प्यारा स्केच लाइनर है गाइज, मैंने यहाँ पे लाइनर लगा लिया है। उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे वाइट काजल अगेन फ्रॉम मार्स, बहुत अच्छा है। मैंने ये वाला भी शायद पर्पल से मंगवाया था, बहुत पुराना हो चुका है बट बहुत अच्छा मतलब लुक देता है, आपके आईज़ को ना बड़ी बड़ी कर देता है एकदम से वाइट काजल। उसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लू, क्योंकि आज मैंने ब्लू आउटफिट पहना है, तो मैं सोची थी ब्लू काजल लगाऊं, ब्लू पेंसिल लगाऊं, एंड दिस पेंसिल इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, जो मैंने नायका से आई थी सारी। कुछ भी आप कभी भी काजल लगाएं या फिर कोई भी आईज़ पे पेंसिल लगाएं, उसको अच्छी तरह ना ब्रश से ब्लेंड करो, ताकि वो ना बहुत अच्छा सा लुक उभर के आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू लिक्विड लाइनर लिया है और ब्लैक लाइनर के ऊपर ऊपर आउटलाइन की है, ताकि जो थोड़ा सा मतलब ब्लू टच है ना वो मैं दे पाऊँ, और बहुत अच्छा है, सिल्वर के साथ ब्लू का टच बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। एंड अपने टीयर डक जो होती है आपके इनर कॉर्नर होते हैं जो आईज़ के, वहाँ पे मैंने लिया है शिमर शेड प्लस थोड़ा सा मैंने क्या कहते हैं सिल्वर ग्लिटर लिया था। आफ्टर दिस इज़ द पैलेट ऑफ आई जस्ट लव इट, पता नहीं शायद स्विस ब्यूटी की, पता नहीं किसकी है, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। 3-in-1 पैलेट है, ब्लशर ब्राउजर एंड हाईलाइटर, और जो भी है ना बहुत ग्लिटरी है इसमें, बहुत अच्छा लुक आता है। एंड दिस इज़ फ्रॉम
स्विस ब्यूटी 2-in-1 मस्कारा एंड इसका एक मतलब दोनों साइड मस्कारा ही है बट एक ब्रश दिया हुआ है पतला बिल्कुल थिन और एक थोड़ा सा थिक दिया हुआ है, बहुत अच्छे है, आपकी मतलब लैशेस को मस्कारा कर देता है। एंड दिस इज़ फ्रॉम इनसाइड लिपस्टिक। मैं सबके नेम आपको बता रही हूँ, आपको कुछ भी चाहिए हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं लिंक आपको मैंशन कर दूँगी उस प्रोडक्ट का। एंड इसका जो शेड था पिंकिश में था, बहुत प्यारा शेड आ रहा था, आप बताना आपको कैसा लग रहा है। इसी से मैं थोड़ा सा मांग भर लूँगी अपनी, क्योंकि आज आपने जैसे देखा पापा मम्मा का अलवा चौथ दिन आए थे मेरे प्रीवियस वीडियोज़ व्लॉग्स में, तो मैं अच्छे से रेडी हो रही थी। एंड यहाँ पे बिंदी की ये मैंने बुक पैलेट परचेज की थी, मैंने तो कॉस्मेटिक शॉप से ली थी बट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, चेक कर लेना। अगर आपको लिंक ना मिले तो आप मुझे बता देना, मैं लिंक सेंड कर दूँगी आपको। बिंदी लगा ली है गाइस एंड ऑलमोस्ट मेरा लुक हो चुका है डन। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है मेरा ये लुक, बहुत सिंपल सोबर सटल सा मेकअप होता है एंड उससे इतना प्यारा लुक आ जाता है। तो मैंने सोचा था यार ये वाला हेयर बैंड हटा के क्यों ना मैं सेंटर पार्टीशन कर लूँ, फिर मैंने सेंटर पार्टीशन की तो मुझे ऐसा लगा यार ये वाला पार्टीशन तो मैं ऑलमोस्ट अपने हर लुक में करती हूँ, ये मेरा सिग्नेचर वाला हेयर स्टाइल है आई थिंक सो। मैं सिर्फ सेंटर पार्टीशन निकालती हूँ, मांग भर दूँ एंड डाइसेट। एंड इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था, इसके दुपट्टे पे भी वर्क था एंड बहुत बड़ा दुपट्टा था, छोटा दुपट्टा नहीं था। तो मेरे को तो ये वाली ड्रेस जो आउटफिट था ना सीरियसली बहुत पसंद आया, अगर आपको भी लेना है, मैंने इसके कलर्स भी आपको बताए थे, इसमें बहुत सारे कलर्स थे, तो यू कैन गो एंड ग्रैब इट आउट फ्रॉम मीशो। एंड बहुत इस समय मीशो पे सेल चल रही है, आप जाके परचेज भी कर सकते हैं। ये वाली जो ग्लिटर है ना गाइज, लिप ग्लिटर है स्विस ब्यूटी की, वो बहुत बहुत प्यारी है, तो प्यारी शाइन देती है ना आपके लिप्स पे, ग्लोसी सी एंड मॉइस्चराइज भी रखती है आपकी लिप्स को, बहुत प्यारी सी लुक देती है। तो मैंने सोचा सिग्नेचर वाला करूँ, फिर मैंने सोचा नो ये वाला तो मैं हमेशा करती हूँ, तो मैंने दोबारा से हेयर बैंड ही लगा लिया था। एंड ये वाले इयररिंग्स मैं लेकर आई थी मार्केट से, तो बहुत प्यारे लग रहे थे। वैसे मैं ज़्यादा गोल्ड के वियर करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो यार इस बार ब्लू के साथ क्यों ना ब्लू वियर किया जाए। आप बताना कैसे लग रहे हैं, इसमें ब्लू बहुत हैवी पर्ल टाइप का लगा हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था एंड फुल मैच कर रहा था मेरे आउटफिट के साथ। आप बताओ मैच कर रहा था या नहीं कर रहा था, मुझे तो लग रहा था मैच कर रहा था एंड बहुत अच्छा लग रहा था। एंड दिस इज़ द फुल लुक, अगर आपको मेरा फुल लुक पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।